काइन, आज हैलोवीन है, चलो ना हॉरर कहानियां सुनाते एक दूसरे को, क्यों अनुष्का? हाँ यार, मुझे भी कोई हॉरर कहानी सुनने का बहुत मन कर रहा है। कौन सुनाएगा? मैं बताता हूँ। दादी, हम हॉरर कहानियां सुना रहे थे एक दूसरे को। हॉरर कहानियां? अरे मुझे तो बहुत पसंद है हॉरर कहानियां, सुनाओ सुनाओ। कौन सुना रहा है? मैं बता रहा हूँ दादी कहानी। तू सुना रहा है? कौन सी कहानी सुना रहा है तू? तो मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ ना, उस कहानी को जो चुड़ैल है ना, वो चुड़ैल मेरे सपने में आती है। तेरे सपने में आती है क्या ये कहानी? पुराने जमाने के लोग कहते हैं, अगर आपके सपने में कोई भूत, प्रेत, चुड़ैल, हड़ाल आती है तो उसका आपकी जिंदगी से कोई ना कोई ताल्लुकात होता है। दादी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे श्रेया बेटा, इतना क्यों डर रही है? मैं ऐसे हैंडल करती हूँ भूतों को। हाँ, बिल्कुल डरने का नहीं। सच्ची ना? अरे एकदम सच्ची मुच्ची। बेटा तू सुना कहानी तेरी, हाँ सुना, क्या आता है तेरे सपने में? सुना तो वो चुड़ैल जो है ना, वो चुड़ैल का नाम हाँ मिया कुमारी है। क्या बोला तो? क्या क्या नाम? क्या वो चुड़ैल का नाम क्या? मिया कुमारी। दादी आप इतना क्यों घबरा रही है दादी? अरे श्रेया बेटा, ये जो चुड़ैल की कहानी है ना, ये बहुत खतरनाक है। मतलब ना इसका लोग नाम भी नहीं लेते। पता है मेरी परदादी ने यह कहानी मुझे सुनाई थी, मतलब मेरी परदादी ने मेरी दादी को सुनाई, फिर दादी ने माँ को और माँ ने मुझे, ऐसा मतलब। दादी हाँ बेबी, सुनाओ ना पूरी कहानी। हाँ सुनने में तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, सुनाइए ना। चलो अभी सुनाई देती हूँ, वैसे तुमको हॉरर कहानियां सुननी है तो। चलो अब सब ध्यान से सुनना इस कहानी को, मैं उसका नाम नहीं लूंगी। मुझे डर लगता है, और तू भी नाम मत ले, तुझे कुछ पता नहीं उसके बारे में, नाम लेता है उसका। चलो अब मैं कहानी सुनाती हूँ उसकी, मुझे जरा याद करने दो। हाँ आ गया आ गया आ गया याद। बहुत पुरानी बात है, रूपनगर नाम का एक राज्य था। उस राज्य की ये राजकुमारी थी। दिखने में तो ऐसे जैसे कोमल की कली, आंखों में उसकी ऐसी रोशनी, और हंसी तो ऐसे कि सब देख के घायल हो जाए। उसके मम्मी पापा कौन थे? अरे बेटा बता रही हूँ कहानी ना सुनना। ये क्या हुआ वो क्या हुआ बता रही हूँ, कौन क्या। हाँ उसकी एक सौतेली माँ थी, वो माँ जीती जागती डायन थी। उसकी सौतेली माँ ने राजा और रानी, रानी मतलब कुमारी की सगी माँ, उनको उसने जहर पिला के मारा था। ताकि वो राजा की गद्दी छीन सके। तो फिर कुमारी को पता नहीं था क्या कि मतलब उसके माँ बाबा को उसकी सौतेली मम्मी ने मारा है? अरे बेटा वो 5 साल की बच्ची थी, उसको कैसे पता चलेगा क्या हो रहा है। तो जब मिया कुमारी बड़ी हुई
उसके खूबसूरती के चर्चे सारी जगह फैल गए। तो फिर रानी के मन में मिया कुमारी को कुमारी की शादी करने के ख्याल आने लगे। पर मिया कुमारी को पहले से ही किसी से प्यार हो गया था। मिया कुमारी जी आप कहाँ खोई हो और किसे देख रही हो? मैं उसे देख रही हूँ जो मेरी आंखों में समा चुका है, जो मेरे दिल में बस चुका है। मिया कुमारी जी, आपकी बातें सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी से प्यार हो गया है। हाँ, हुआ ही मुझे प्यार। अच्छा, कौन था वो राजकुमार जो कुमारी को पसंद आया था? कोई राजकुमार नहीं था, कुमारी को एक नौकर से प्यार हो गया था। सच में? कौन है वो खुशनसीब, जरा हमें भी दिखाइए। उससे मिया कुमारी जी, वो तो एक नौकर है। बुलबुल, नौकर है तो क्या हुआ, प्यार में कोई भी पड़ा या छूटा नहीं होता। पर मिया कुमारी जी, रानी सरकार, मैं उनको समझाने की कोशिश करूंगी। फिर क्या हुआ? फिर उसकी वो सौतेली डायन माँ को ये पता चल गया कि उसकी बेटी का एक नौकर से प्यार का चक्कर चल रहा है। फिर उसने उस नौकर को बुलाया। आपने बुलाया रानी सरकार? आओ आओ, अब क्यों कांप रहे हो? तब क्यों नहीं कांपे जब मेरी बेटी से प्यार कर रहे थे, उसकी आंखों में आंखें डालने की हिम्मत कर रहे थे? माफ कीजिएगा, गलती हो गई, माफ कीजिए। अब तो तुम नहीं बचोगे। फिर अब तुम नहीं बचोगे। फिर वो सौतेली माँ ने उस नौकर को वही खत्म कर दिया। ठिकाने लगा दो। एक बड़े राज्य के राजा को बुलाया ताकि उस राजा से वो अपनी बेटी की शादी कर सके। कौन था वो राजकुमार? वैसे आपके खानदान से रिश्ता जोड़ने में और आपका दामाद होने में मुझे बहुत खुशी होगी। कोई राजकुमार नहीं था, 60 साल का बुढ़ा था वो राजा। ए बुढ़े, पैसे दो और निकलो, मेरे पास तुम्हारे साथ बात करने का वक्त नहीं। पैसे दो। और हाँ, जब शादी होगी तो अपना पूरा शरीर अच्छे से ढक लो, ये तुम्हारा बूढ़ा शरीर नहीं दिखना चाहिए। आप उसकी कोई चिंता मत कीजिए, जाओ अब। क्या कुमारी शादी के लिए तैयार हो गई? अरे बेटा, कुमारी को पता ही नहीं था कि उसकी शादी 60 साल के बुढ़े से हो रही है, क्योंकि उसके माँ ने बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा था। राजकुमारी को बुलाओ। माँ, आपने बुलाया? माँ, दरअसल बेटा, मैं सब जानती हूँ बेटा, और मुझे इससे कोई एतराज भी नहीं है। तुम जिससे चाहे उससे शादी कर सकती हो, मेरी खुशी तो तुम में है ना बेटा, तो मुझे इससे कोई एतराज नहीं। माँ, आप सच कीजिए, आपको इस आदमी से कोई मतलब कोई शिकायत नहीं है? बिल्कुल नहीं। क्या हुआ अगर वो नौकर है तो? मुझे उससे कोई एतराज नहीं। अब जाओ, तुम शादी के लिए तैयार हो जाओ। माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी माँ से शुक्रिया नहीं कहते बेटा, जाओ ना, तैयारी करो। दादी,
फिर कुमारी को कैसे पता चला कि उसकी शादी किसी और से हो रही है? कुमारी की बुलबुल नाम की एक दासी थी। उस दासी ने रानी को और उस बुड्ढे को आपस में बात करते हुए सुन लिया। मुझे ये बात मियाँ कुमारी जी को जाके बतानी पड़ेगी। मियाँ कुमारी जी, मियाँ कुमारी जी। अरे क्या बुलबुल, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है मियाँ कुमारी जी। अनर्थ हो गया? ऐसा क्या अनर्थ हो गया है बुलबुल? रानी सरकार आपकी शादी आपके प्यार से नहीं बल्कि एक बुजुर्ग आदमी से कर रही है। वो किसी राज्य का राजा है। फिर क्या हुआ दादी? फिर होना क्या था, कुमारी अकेली थी, उसे ना कोई मदद करने आ सकता था और ना उसकी कोई मदद करना चाहता था। उसके पास कोई भी मतलब ऑप्शन ही नहीं था कि वो क्या करे। इतना बड़ा झूठ, नहीं, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। फिर क्या हुआ दादी? फिर वो कुमारी वहां से भाग गई। मैं भाग जाऊंगी, मैं यहां से भाग जाऊंगी। उस राज्य से बहुत दूर चली गई और जाते जाते कुमारी ने उस राज्य को शाप दिया। मैं इस राज्य को शाप देती कि आज के बाद इस राज्य में कभी किसी की शादी नहीं होगी। उस दिन से उस राज्य में कभी भी किसी लड़के की शादी नहीं हुई और उसकी जो सौतेली माँ थी वो भी टपक गई। साल गुजर गए, मौसम बदल गए और वो जगह खंडर हो गई। आज भी उस राजवाड़े में कोई नहीं जाता। कुमारी का आगे क्या हुआ? कुमारी का आगे क्या हुआ ये किसी को नहीं पता चला। वो कहाँ गई, किस हालत में रही, उसके साथ क्या हुआ, जिंदा है या मर गई, किसी को नहीं पता चला। पर आज भी लोग कहते हैं कि वो अपनी प्यार की तलाश में निकल पड़ती है, घूंघट ओढ़े, लहंगा पहने। ऐसे घने बाल छोड़े हुए आज भी वो दिखती है किसी के सपने में, किसी की हकीकत में। मुझे अंदर जाना है। एक मिनट, आप सोसाइटी के अंदर नहीं जा सकती, मैंने आपको अभी तक नहीं देखा। आप कौन है? मुझे अंदर जाना है, मैं यहीं पर रहती हूँ। आज भी वो है, ऐसे लोग बोलते हैं। पर दादी अब तक तो वो मतलब मर गई होगी ना? किसे पता है बेटा, कुमारी मर गई या जिंदा है, क्या पता वो अभी भी जिंदा हो और तुम्हारे सामने बैठी हो। अरे इतना क्यों डर रहे हो? मजाक कर रही हूँ। दादी आप भी ना डराई दी आपने तो। नहीं बिल्कुल नहीं, पहले घूंघट उठाइए, मुझे आपका चेहरा देख लीजिए। नहीं उठाऊंगी, देखिए घूंघट हटाइए क्योंकि मैं आपको नहीं जानता। नहीं उठाऊंगी, आपको घूंघट उठना पड़ेगा। बैठो। कौन है? अब कौन आया होगा? पता नहीं कौन आया होगा, मुझे लगता है वो चुड़ैल आ गई होगी बाहर। अरे पता नहीं कौन था, ये बच्चे भी ना शरारत करते रहते।
कुछ भी क्या बोल रहा है, एक तो मैं डर गई हूँ, कुछ मत बोल। दादी कौन था? अरे पता नहीं, ये बच्चे खेलते रहते ना, किसी ने बजाई होगी बेल। छोड़ो, चलो गाइस हम बाहर जाते खेलने। दादी हम बाहर जाते हैं खेलने। अच्छा ठीक है, आप जाओ वहाँ खेलने, तब तक मैं आपके लिए कुछ बना देती हूँ खाने के लिए। हाँ जाओ खेलो, मौज करो। ओके चलो चलो। हाँ चलो। अभी अच्छे से नहाती हूँ, फ्रेश होती हूँ, फिर खाना बनाती हूँ। अरे ये नल मैंने चालू ही रख दिया। श्रेया बेटा नल बंद कर दे। चलो गाइस हम बाहर जाते खेलने। दादी हम बाहर जाते हैं खेलने। श्रेया तो बाहर गई है, सिग्नल किसने बंद किया?